जी नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। देखिए आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कुछ एसएससी जेई में आए हुए क्वेश्चंस डीसी नेटवर्क में से, जो पिछली हमने दो वीडियोस बनाई है सीरीज और पैरेलल सर्किट की, उसमें हमने ये तो सीख ही लिया है कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है एसएससी जेई में कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सी एंड ग्राउंड, कि एक टर्मिनल है मेरा यहाँ पे सी पॉइंट और ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स ग्राउंड कह लो चाहे न्यूट्रल कह लो, कि ये जो मेरा पॉइंट है ये पूरा देखो नेगेटिव से लेके ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है यहां तक, ये जो मेरा पूरा होता है नेगेटिव से लेके ये वाला पार्ट, यहां पे वोल्टेज मेरी जो होती है हमेशा मेरी वोल्टेज जीरो होती है, यहां पे कभी कोई वोल्टेज नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहां पे एक रेजिस्टेंस ना होता, एक ही रेजिस्टेंस होता, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाती है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में मेरी वोल्टेज जीरो होती है। तो इसने बोला है ग्राउंड मतलब सी से ग्राउंड, क्योंकि वोल्टेज जो मेरी जो वोल्ट मीटर होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल मैं सी पे लगाऊंगा, दूसरा जो टर्मिनल होगा मेरा वो मैं यहां पे लगाऊंगा। इट मींस ये जो मेरा वोल्ट मीटर है अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं, इट मींस ये क्या पूछ रहा है मेरे से, ये पूछ रहा है कि 50 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, इस 50 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज मेरी ड्रॉप हो रही है। तो इसको वोल्टेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये वाला 120 वोल्ट का जो मेरा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो इसको करने के देखिए दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो है कि एक सिंपल फार्मूला आता है जो मुझे याद करना पड़ेगा कि वोल्टेज डिवीजन ला। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये मेरी टोटल वोल्टेज है कोई VT, दो रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, दो वोल्टेजेस हैं यहां पे। देखिए टोटल वोल्टेज जो मेरी यहां पे होगी वो दो सर्किट में इन दोनों रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगी, मतलब ये जो टोटल वोल्टेज VT होती है ये मेरी V1+V2 होगी, ये जो टोटल वोल्टेज होगी ये दोनों में से ड्रॉप जो हो जाएंगे ना, दोनों ड्रॉप्स, क्योंकि KVL भी यही कहता है कि सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज अप्लाइड, कि जो रेजिस्टेंसेस में मेरा टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वो मेरा टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, इट मींस V1+V2 इसमें आएगा। देखिए चलिए तो ये V1 और V2 कितनी होगी, इसकी रेशियो क्या होगी, ये डिपेंड करती है कि ये जो मेरी दो रेजिस्टेंस है दोनों रेजिस्टेंस इनमें इसके आपस में रेशियो क्या है इसकी। मान लीजिए इसका फार्मूला लिखते हैं यहां पे V1 का फार्मूला है, देखिए टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसी का अपनी उसकी रेजिस्टेंस R1, और डिवाइड में दोनों रेजिस्टेंसेस का जितने दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोनों का जोड़ R1+R2। तो यहां पे मेरे पास निकल जाएगी R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, और अगर मैंने V2 निकालनी है तो वही टोटल वोल्टेज जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने वोल्टेज निकालनी है उसी की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का जोड़। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम अपने इस सर्किट में जो हमें सर्किट दिया हुआ है। देखिए उसमें ये कैसे अप्लाई होगा, मुझे निकालना है यहां पे वोल्टेज निकालनी है, मान लीजिए यहां पे वोल्टेज मेरी V2 है, यहां पे वोल्टेज निकालनी है, तो मुझे फार्मूला पता है कि टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसी रेजिस्टेंस को मैं ऊपर रखूंगा और डिवाइड बाय दोनों का जोड़ मींस 100+50। तो ये जो मेरा आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय ये जो आ गया मेरा 50/153, तो ये मेरा यहां से 40 वोल्ट आ गया। इट मींस मेरी यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जो मेरी हो रही है वो मेरी हो रही है 40 वोल्ट। तो ये 40 वोल्ट किस वोल्टेज का हिस्सा है, 120 का, तो 120 में से अगर 40 वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होगी तो बाकी वोल्टेज मेरी कहां पे गई, यहां पे, तो कितनी आ गई है मेरी 80 वोल्ट। तो चलिए फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला भी यही कहता है, वही फार्मूला लगा के अब मैं V1 निकालता हूं कि क्या ये 80 वोल्ट आती है, इसको जस्टिफाई करते हैं। तो टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके कस वोल्टेज निकालनी है उसी की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का जोड़ 150, ये आ गया मेरा 2/3 और 3 ये आ गया मेरा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। इट मींस क्या है कि यहां पे ये जो मेरी वोल्टेज है ये मेरी 80 वोल्ट है। तो ये देखिए जो हमने चीज लिखी थी वहां पे कि V1+V2 जो होता है मेरा इक्वल होता है टोटल वोल्टेज के, तो वही आ गया 80+40 इज इक्वल टू 120। देखिए इसको करने का एक और तरीका है, अगर इस ला ये जो वोल्टेज डिवीजन लाया इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ दो, अगर तो मेरे पास दो वोल्ट दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में लगे हुए हैं
फिर तो ये काम करता है। अगर मान लो मेरे पास ये तीन तीन रेजिस्टेंसेस होती है यहां पे, तो ये सीधा नहीं लगता ये फार्मूला, इसकी ये प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए देखिए एक मेरे पास और है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैंने वोल्टेज फाइंड करनी है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मुझे पता होना चाहिए उस रेजिस्टेंस का करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है प्लस उसकी रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज पता होने के लिए मुझे मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि करंट किसी रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है। तो अगर मेरे पास इस सर्किट में मुझे करंट पता चल जाए कि टोटल करंट क्या है, तो मैं उस करंट को इससे गुणा करूंगा तो मेरी वोल्टेज ये आएगी। अगर मैं इस करंट को इससे गुणा करूंगा इस रेजिस्टेंस से, तो मेरी 40 वोल्ट आ जाएगी। चलिए इससे निकाल के देखते हैं कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज यहां पे है 120। अब क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो टोटल यहां पे मेरे पास आ गई टोटल रेजिस्टेंस 150। तो यहां पे जो करंट आ गया मेरा 4/5 एम्पीयर करंट आ गया मेरा इस ब्रांच में, इस टोटल सीरीज, क्योंकि अब ये सीरीज सर्किट है, तो यहां से जो करंट चलेगा 4/5 ये यहां से होता हुआ यहां एंटर कर जाएगा। तो अगर यहां पे मैंने ये 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इसका करंट, तो ये देखिए क्या होगा, V1 मेरा इसकी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो ये आ गया मेरा 4/5, ये आ गया मेरा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 वोल्ट। देखिए वही आ गया ना। दूसरा जो करंट यहां से पास होगा वही मेरा इसमें एंटर करेगा, तो मैं V2 के लिए मेरे पास टोटल वोल्टेज आ गई मेरी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये देखिए आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये दो मेथड्स हैं इसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहां पे, इसमें करंट कितना जा रहा है। देखिए इस सर्किट को पहले समझिए कि दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में जुड़ी हुई है। देखो पैरेलल की निशानी पहले भी मैंने बताई थी कि अगर दो रेजिस्टेंसेस के एक एक सिरे, ये देखिए एक एक सिरा जो है बिल्कुल शॉर्ट हुआ है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस और नहीं है, ये देखो यहां पर शॉर्ट है, और जो रहते हुए दूसरे सिरे हैं ये भी यहां पे शॉर्ट है, तो इसको मैं पैरेलल बोलता हूं। तो पैरेलल में वोल्टेज मेरी जो होती है सेम होती है, पर करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड कैसे होता है कि जिस ब्रांच की, ये जो मेरी पूरी ब्रांच होती है, ये मेरी ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, ये एक मेरी दूसरी ब्रांच है, कि जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस ब्रांच में मेरा करंट कम होता है, और जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होती है उस ब्रांच का करंट जो मेरा होता है वो ज्यादा होता है। ये पैरेलल में अप्लाई होता है, सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है। तो देखिए ये डिपेंड, इट मींस करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसको पहले इसको करने के लिए मेरे पास एक वोल्टेज करंट डिवीजन लॉ होता है। तो करंट डिवीजन लॉ क्या होता है, ये देखिए यहां पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है कि टोटल करंट मेरे पास यहां पे IT है, एक करंट I1 है, यहां पे I2 है, इसमें कितना होगा ये निकालने के लिए देखिए करंट डिवीजन लॉ कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए मुझे निकालना है I1, तो I1 निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए IT, टोटल करंट IT मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच में मैंने करंट निकालना है। अगर मैंने R1 में करंट निकालना है, I1 निकालना है ना मैंने, तो इसकी रेजिस्टेंस नहीं, ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है R2, और डिवाइड बाय दोनों का जोड़ R1 प्लस R2। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा करंट, आ जाएगा I1। अगर यहां पे जब मेरा टोटल करंट आ गया, यहां पे टोटल करंट आ गया मेरा 10 एम्पीयर, तो इसको यहां पे एक तो देखेगी 2 ओम की रेजिस्टेंस और एक देखेगी 5 ओम की रेजिस्टेंस, दोनों में से करंट डिवाइड होगी, यहां भी फिर ये 10 एम्पीयर चला जाएगा। तो I2 कैसे निकालना है, देखिए वही फार्मूला लगाना है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस निकालना है, जिस ब्रांच में मैंने करंट निकालना है उससे ऑपोजिट की रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ मेरे पास क्या है 5+2। तो ये आ गया मेरा 10 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो ये मेरा आ गया 20/7। ये आ जाएगा 20/7 को जब मैं करूंगा 2.85। देखिए ये मेरे पास ऑप्शन आ गई मेरी डी ऑप्शन। अगर मुझसे पूछता वो कि यहां पे करंट कितना होगा, अब सीधा है कि 10 एम्पीयर में से अगर मैं ये करंट निकाल दूंगा तो मेरा करंट यहां पे बच जाएगा। चाहे मैं फार्मूला लगा के देख लूं कि यहां पे मेरा फार्मूला क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट जिस ब्रांच में मैंने करंट निकालना है उससे ऑपोजिट की रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय दोनों का जोड़।
ये आ गया मेरा 50/7। तो ये जो मेरा 20/7 और 50/7 करंट है, दोनों जोड़ के कितना करंट बनना चाहिए मेरा, इसको क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। ये दोनों जोड़ के मेरा आंसर कितना बनना चाहिए, 10 एम्पियर। तो देखिए इसको जोड़ता हूं मैं, दोनों को जोड़ता हूं, 50/7 + 20/7। तो ये मेरा आ गया, एलसीएम मेरा 7 आ गया, तो ये आ गया 50 + 20 = 70/7। तो ये मेरा आ गया 10 एम्पियर करंट। देखिए वही करंट है जो टोटल करंट था, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास इन्होंने 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, R1, R2, R3। दो रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है ये, इसकी वैल्यू गिवन है। 10 मिली एम्पीयर है जो वो मेरा 100 किलो में से पास हो रहा है, और जो मेरा 40 मिली एम्पीयर है वो मेरा R3 में से पास हो रहा है। तो उन्होंने यहां पे वैल्यू पूछी है कि R3 की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R3 की रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है। तो देखिए एक चीज मैं पहले भी हम कर चुके हैं कि जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पे करंट मेरा हमेशा कम होता है, और जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस मेरी कम होती है वहां पे करंट ज्यादा होता है। तो देखिए वैसे तो ये देखिए सीधा क्वेश्चन है, अगर मैं कोई फार्मूला यहां पे नहीं भी लगाता तो देखिए यहां पे मेरे पास कितना करंट है, 10 मिली एम्पीयर। यहां पे करंट कितना है, 40 मिली एम्पीयर। तो इस ब्रांच में करंट कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना। तो करंट ज्यादा क्यों है, 4 गुना करंट ज्यादा इसलिए क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है 4 गुना कम होगी। तो 4 गुना कम रेजिस्टेंस कितनी होगी, 25 किलो। तो मेरा आंसर तो सीधा ही आ गया, 25 किलो, यही मेरा आंसर है। पर फिर भी चलो एक और इसको करने का तरीका दूसरा है, क्या है वो भी देखते हैं कि ये जो मेरे दो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में हमेशा जो मेरी वोल्टेज होती है इन पॉइंट्स के बीच, अगर मेरा टर्मिनल ये A B C D है ना, तो यहां पे जो मेरी वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी यहां पे, ये दोनों की जो वोल्टेज होगी, दोनों ब्रांचेस की जो वोल्टेज होगी वो मेरी इक्वल होगी। तो इट मीन इसकी अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो मैं इसकी वोल्टेज निकाल सकता हूं, अगर वोल्टेज मेरे पास पता होगी, करंट मुझे पता होगा, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। इट मीन मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि इस ब्रांच की रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस ब्रांच की वोल्टेज इक्वल है इस ब्रांच की वोल्टेज के, इस ब्रांच की वोल्टेज क्या है, इस ब्रांच का जो वोल्टेज होती क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो इसका करंट क्या है, 10 मिली एम्पीयर। तो मिली के लिए मैं 10^-3 लगाऊंगा, ओके, मल्टीप्लाई इसकी रेजिस्टेंस R2, 100 किलो। किलो के लिए मैं लगाऊंगा 100^-10^3 इक्वल टू, ये मेरी होगी वोल्टेज, क्योंकि दोनों चीजें, ये मेरा करंट है ये मेरी रेजिस्टेंस है, तो गुना हो गई, ये मेरी होगी टोटल वोल्टेज। ये किसकी इक्वल होगी, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, R3 × 40 मिली एम्पीयर। 40 मिली एम्पीयर, मिली एम्पीयर मींस 40 × 10^-3। तो मुझे यहां पे पूरी इक्वेशन में एक ही चीज नहीं पता, R3, तो ये मैं निकाल लूंगा, इसको उठा के मैं इसके नीचे ले आऊंगा 40 × ठीक है जी। तो ये मेरे पास देखिए, इसका मतलब ये जो -3 है ये मेरा इसके साथ कट गया, ये मेरा यही पे है, ओके जी। तो जब मैं 3 को -3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो मेरा हो जाएगा 10^3, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म है, और ये भी अभी मेरे पास रह गया, ये 4 को मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ तो ये आ गया मेरा 2.5। तो 2.5 × 10 ये आ गया मेरा 25, और 25 मल्टीप्लाई साथ में क्या है, 10^3, तो ये मेरा आ गया 25 किलो, ठीक है जी, थैंक यू। तो ये दोनों मेथड के साथ मैं इसका निकाल सकता हूं कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी है, थैंक यू जी।